नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीबी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज की स्टोरी में भी आपको बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा, टेंसेस के साथ, ग्रामर के साथ, वर्ब्स के सभी फॉर्म्स आपको बताने वाला, हर एक वर्ड की मीनिंग सही प्रोनंसिएशन, सही उच्चारण के साथ आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी वोकैबुलरी यानी कि जो आपकी वर्ड पावर है वो भी स्ट्रांग होने वाली है। आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स भी जान पाएंगे, साथ ही साथ मीनिंग भी जान पाएंगे और कैसे यूज करना है, उसे सेंटेंस कैसे बनाना है वो भी आपको बताता चलूंगा। टेंस तो आपको क्लियर होंगे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द सुप्रीम सैक्रिफाइस। सी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो तो सी का स हो जाता है, क नहीं होता, ठीक है। द सुप्रीम, सुप्रीम मतलब होता है सर्वोच्च, सर्व से सबसे ऊंचा, जैसे सुप्रीम कोर्ट आपने सुना ना, हाई कोर्ट ऊंचा, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है ना, सबसे ऊंचा, तो सुप्रीम कहा जाता है। सुप्रीम सैक्रिफाइस यानी सर्वोच्च बलिदान, त्याग करना बलिदान को सैक्रिफाइस कहा जाता है। चलिए देखते हैं भाई ये सर्वोच्च बलिदान किसने दिया, किसके लिए दिया। स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वंस देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड, क्या नाम था उसका, वीर मुकुट, वीरा मुकुट ऐसे लिखा था, वीर मुकुट ऐसे पढ़ेंगे। तो एक बार देयर लिव्ड, रहते थे, देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यानी जब कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सब्जेक्ट के बदले देयर का यूज किया जाता है। वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन कोई सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, सॉरी कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो देयर यानी कोई मीनिंग नहीं निकाले, इंट्रोडक्टिव वर्ड कहा जाता है। एक बार रहते थे, एक बार वहां रहते थे, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। अ किंग, एक राजा, नेम्ड नामक या नाम का उसे नेम्ड कहा जाता है। वीर मुकुट, तो वीर मुकुट बोलेंगे हम, वीर मुकुट नाम का एक राजा रहते थे। ही वॉज अ वाइज एंड नोबल किंग, ही वॉज, वह थे, अ वाइज, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमान, एक बुद्धिमान, एंड नोबल किंग, नोबल यानी होता है महान, एक बुद्धिमान और महान राजा थे। हु लव्ड, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी, जो लव्ड प्यार करते थे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यदि आपको दिखे तो पास सिंपल टेंस, गया था, खाया था, करता था, जाता था या खाया पिया गया, ऐसे भी यूज किया जाता है। हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट यानी एक तो विषय होता है, हिंदी गणित है ना, और सब्जेक्ट यानी होता है प्रजा, यानी राजा और उसके राज्य में रहने वाले लोगों को प्रजा कहा जाता है, इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट्स कहा जाता है, बहुत सारे हैं, तो जो अपने प्रजा से प्यार करते थे। वंस अ ब्राह्मण, एक बार एक ब्राह्मण, नेम्ड गोपाल, गोपाल नाम का एक ब्राह्मण, सॉट ड्यूटी एज अ गार्ड इन हिज कोर्ट। सॉट, सॉट यानी क्या होता है, इच्छा जताना, मांगना, सॉट कहा जाता है, तो ठीक है, सॉट सीख जैसे होता है वैसे सॉट है, यानी किसी चीज को मांगना, खोजना, प्रार्थना करना, विनती करना, ढूंढने गया ना, बहुत सारा मतलब होता है। तो क्या करने गया था, मांगने गया था, इच्छा जताई, उसे भी सॉट कहा था। ड्यूटी, ड्यूटी यानी होता है कुछ काम करने की इच्छा जताई, एज यानी के रूप में, अ गार्ड, एक गार्ड यानी पहरेदार, ठीक है, पहरेदार के रूप में, रक्षक के रूप में, इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। तो गार्ड यानी क्या होता है, रक्षक, सुरक्षा करने वाला, उसे गार्ड कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो एक बार एक ब्राह्मण, गोपाल नाम का ब्राह्मण ने क्या किया, एक रक्षक के रूप में काम करने की इच्छा जताई कि भाई मुझे आपके यहां रक्षक के रूप में काम करना है, रक्षा करना है। गोपाल हैड अ स्मॉल फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ हिज वाइफ, अ डॉटर एंड अ सन। गोपाल हैड, गोपाल का था, किसी के पास कुछ चीज था तो हैड का यूज किया जाता है। अ स्मॉल फैमिली, एक छोटा परिवार था गोपाल का। कंसिस्टिंग, कंसिस्टेंट होना, उसमें रहना, निहित होना, कंसिस्टिंग कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन थे, ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी, अ डॉटर, एक बेटी, एंड अ सन, और एक बेटा, ठीक है, छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा था। द किंग न्यू दैट द ब्राह्मण वॉज वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स हिज वर्क। द किंग, राजा, न्यू, जानते थे, के साइलेंट है, केवल न्यू पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय के लिखना जरूरी, यदि आप केवल ये वाला न्यू लिख देंगे तो इसका मतलब होता है नया, ये वाला नया, लेकिन के साथ यदि आप न्यू लिखेंगे तो इसका मतलब होता है जानता था या फिर जाना। ये न्यू किसका सेकंड फॉर्म है, ये नो का सेकंड फॉर्म होता है, नो, यहाँ पर भी के साइलेंट होता है, तो के एन यदि एक साथ हो तो के साइलेंट होता है, जैसे नो, नाइफ, नॉक, है ना, नी, घुटना, के एन डबल ई, नाइफ, चाकू, तो के एन, नाइट, नाइट राइडर वाला नाइट है ना, के एन आई जी एस टी, नाइट यानी होता है, एक नाइट यानी रात होता है, एन आई जी एस टी, नाइट,
और KNIT वन नाइट वॉच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सूरवीर योद्धा, वो भी KNIGHT होता है ना, ये वाला नाइट होता है KNIGHT। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग के चैनल लेटर को समझ जाओ। नाइट, कोलकाता नाइट राइडर, तो आपको ऐसा लगा होगा रात को राइड करने वाला, सवारी कर, नहीं, रात रात के शूरवीर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो शूरवीर को नाइट कहा जाता है, बट के सैनल रहता है सब में, देखिए KN। तो राजा जानते थे दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता की, द ब्राह्मिन यानी ब्राह्मिन वॉज यानी था वेरी, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एस साइलेंट है, केवल ऑनेस्ट बोलेंगे, हॉनेस्ट नहीं बोलना हमें, यहाँ पर भी देखिए साइलेंट लेटर भी आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा ईमानदार था, टूवर्ड्स यानी होता की ओर, हिस वर्क, अपने कार्य के प्रति या कार्य की ओर बहुत ज्यादा ईमानदार था। एंड सो, और इसलिए, ही अग्रीड, वह राजी हुआ, अग्रीड यानी राजी हो जाना, तो अग्री का सेकंड फॉर्म अग्रीड होता है। टू पे, पे यानी चुकाना, भुगतान करना, हिम, उसे, अ गुड सैलरी यानी एक अच्छा वेतन देने के लिए वो राजी हो गए कि ठीक है भाई मैं उसे अच्छा वेतन दूंगा। गोपाल डिमांडेड फॉर 500 कॉइन्स पर डे, और गोपाल ने क्या डिमांडेड, मांग की, डिमांड का सेकंड फॉर्म डिमांडेड, मांग की फॉर फॉर यानी के लिए 500 सिक्के पर डे यानी प्रतिदिन यानी हर रोज 500 सिक्के मांगे उसने कि मुझे 500 सिक्के चाहिए। वीरमकुट वांटेड टू नो, तो जो वीरमकुट था वांटेड चाहता था, टू नो यानी जानना, वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है जहां भी होता है, यहां पे जहां बोले जहां, द ब्राह्मिन स्पेंड सो मच मनी, तो जो ब्राह्मिन था स्पेंड, स्पेंड यानी बिताना, खर्च करना, उसी का सेकंड फॉर्म स्पेंट होता है, डी हट के टी लग जाता है, तो सेकंड थर्ड फॉर्म दोनों स्पेंट होता है। तो ब्राह्मिन बिताता था, ऐसा हो जाएगा पास सिंपल, सो मच मनी, सॉरी खर्च करता था, बहुत सारे पैसे को कहां खर्च करता था वो जानना चाहते थे। सो इसलिए ही सेंट स्पाइस, ही सेंट, उसने भेजा, तो देखिए यहां पे फिर वही आ गया, सेंट का सेंट, सॉरी सेंट हो जाता है डी हटके टी, सेंड यानी भेजना, सेंट यानी भेजा, उसका सेकंड फॉर्म होता है। स्पाइस, स्पाइस यानी क्या होता है, जासूसों को, जासूस को स्पाइस कहा जाता है, और एक स्पाइस होता है आई, मेरे ख्याल से सीई होता है ना स्पाइस, ये वाला स्पाइस का मतलब होता है मसाला, क्या होता है मसाला, जो मिर्च मसाले हम लोग बोलते हैं ना मसाले, ये वाला स्पाइस होता है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है, स्पाइस यानी मसाला और स्पाइस यानी जासूस। तो उसने जासूस को भेजा टू टू के लिए, टू फाइंड आउट, वर्ब के पहले टू हो तो के लिए टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, फाइंड आउट यानी पता लगाना, पता लगाने के लिए, अबाउट यानी के बारे में, गोपाल्स डेली रूटीन, गोपाल्स अपॉस्ट्रॉफी एस यानी का के की, गोपाल के डेली रूटीन, डेली रूटीन यानी होता है जो दिनचर्या, दिनचर्या रोज का काम, उठना बैठना जाना आना, कहाँ जा रहा है कहाँ रहा है, उसे डेली रूटीन कहा जाता है, हम जो वही वही काम डेली करते हैं, क्लियर हो गया। तो उसने एक जासूस को भेजा, भाई जाओ तुम देखो और पता लगाओ कि वो क्या करता है दिन भर, उन पैसों का पता तो चलना चाहिए, नया नया थोड़ा नजर रखा जाए, अब देखिए क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। गोपाल्स डे वुड बिगिन बाय मीटिंग द किंग, तो गोपाल्स डे, गोपाल का दिन, वुड बिगिन, वुड यानी होता था, कुछ काम होता था पास में, तो वुड का यूज किया जाता है, यूज टू जैसे ही वुड का यूज किया जाता है, बिगिन यानी होता है शुरू होना, बाय मीटिंग द किंग यानी कि राजा से मिलने, एंड देन गार्डिंग द मेन डोर, गार्डिंग यानी सुरक्षा करना, मेन डोर मुख्य दरवाजे का सुरक्षा करना, ऑफ द कोर्ट दरबार का, टिल यानी तक, आफ्टरनून यानी दोपहर तक, क्लियर हो गया। तो गोपाल का दिन राजा से मिलने और फिर दोपहर तक दरबार के मुख्य द्वार पर रखवाली करने से शुरू होता था, रोज ये काम करता था। आफ्टर दैट उसके बाद ही वुड कलेक्ट हिज वेजेस, ही वह वुड करता था कलेक्ट, तो वुड के बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कलेक्ट, कलेक्ट करने आता है इकट्ठा करना लेना, उसे कलेक्ट कहते हैं, तो कलेक्ट करता था यानी लेता था हिज वेजेस अपनी मजदूरी को, एंड गो होम और घर जाता था, होम के पहले टू नहीं लगाते, हाउस हो तो टू हाउस, मार्केट हो तो टू द मार्केट, स्कूल हो तो टू स्कूल, बट होम के पहले टू नहीं लगाते, रूल है, और घर जाता था यही काम करता था। ही वुड हैंड, फिर वही वुड करता था, ही वुड हैंड ओवर, हैंड ओवर यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है सौंप देना, सौंप देता था, दे देता था, तो हैंड ओवर कहा जाता है। 100 कॉइन्स 100 सिक्के
टू हिज वाइफ, प्रेपोजिशन है अपनी पत्नी को, तो किसे देता था, कहां जाता था, क्या खाता था, उसके पहले हम टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है. क्लियर है? तो ओवर 100 कॉइन्स टू हिज वाइफ, हैंड ओवर, और अपनी पत्नी को 100 सिक्के सौंपता था. ही वुड देन, फिर वही ही वह वुड देन हैव अ बाथ, फिर वो नहाता था, बात है ना, होता नहाता था. एंड गो टू द टेम्पल, देखिए मंदिर के पहले टू द का यूज किया गया है, हाउस के होम के पहले नहीं किया गया, प्रेपोजिशन है. और मंदिर जाता था. देयर, देयर यानी वहां. अब आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे स्टार्टिंग में देयर का यूज हो तो कोई मीनिंग नहीं निकालते. भाई यदि सब्जेक्ट ना हो तब फिर, यहाँ पे तो सब्जेक्ट लिखा है ना, ही सी इट ही लिखा हुआ है. यदि सब्जेक्ट है साथ में तो फिर आप देयर यानी वहां बोलोगे, नहीं है तो देयर यानी इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं, उसको लिख लेंगे आप. देयर वहां, ही वुड स्पेंड, वह बिताता था, देखिए स्पेंड आ गया, बिताता था 100 कॉइन, सॉरी फिर वही स्पेंड यानी पैसे यदि है तो हम खर्च करता था बोलेंगे, समय है स्पेंड है ना, स्पेंड टाइम बोलेंगे तो समय बिताता था, समय को बिताता बिताते हैं, पैसे को खर्च करते, पैसा बिताता था समय खर्च करता था, ऐसे दोनों मजा नहीं आ रहा है. क्लियर है? समय खर्च करना भी चल जाता है एक बार, बट यहां भी क्योंकि पैसा है तो हम बोलेंगे खर्च करता था ऐसे. तो वहां वो 100 सिक्के खर्च करता था ऑन रिलीजियस, रिलीजियस यानी धार्मिक रिचुअल्स, इसे हम रिचुअल्स पढ़ेंगे, रिचुअल्स यानी रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी क्या होता है, जो अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज को रिचुअल्स कहा जाता है. ऑन यानी होता है पर, ये भी प्रोपोजिशन है. और 100 सिक्के धार्मिक अनुष्ठान पर खर्च करता था, देखिए 100 पत्नी को देता था, 100 धर्म कर्म में खर्च करता था. अनदर 100 कॉइन्स, और जो और बाकी 100 सिक्के थे, वर डोनेटेड यानी दान दे देता था टू स्कूल्स, विद्यालयों को दान कर देता था 100 सिक्कों को. क्लियर हो गया? 100 100 100 300 हो गया. एंड द रेस्ट वॉस, रेस्ट यानी बचा हुआ को रेस्ट कहते हैं, आराम करने को भी रेस्ट कहते हैं, बट रेस्ट यानी जो बचा हुआ, और बचे हुए वॉस को क्या, डिस्टर्ब, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट यानी होता है बांटना, ईडी जुड़ी है, सेकेंड नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड, बांट देता था, ऐसे यूज किया जाएगा. और बाकी को क्या, बांट देता था अमंगस्ट, बीच में, तो बिटवीन यानी भी बीच होता है, अमंग यानी बीच होता है, अमंगस्ट यानी भी बीच होता है, तीनों में अंतर, दो चीज के बीच या दो व्यक्तियों के बीच में, मान लीजिए ए है तो ये बिटवीन कहलाएगा, है ना, बिटवीन, बी एंड सी, बिटवीन. अब यही ए है लेकिन सी बी डी ई और बहुत सारा आ गया, यानी दो से ज्यादा हो गया, तब अमंग का यूज करते, केवल अमंग, और बहुत सारे लोगों या वस्तुओं के बीच में आप हो तो वहां पे अमंगस्ट का यूज किया जाता है. सब में बीच में ही मतलब निकल रहा है ना, बीच में बांट देता था, तो दो लोगों के बीच में तो बिटवीन का यूज किया जाएगा, दो से ज्यादा लोगों के बीच में तो अमंग द पीपल, और बहुत सारे लोग हैं तो अमंग द पीपल या अमंग, ऐसे यूज किया जाता है, ये रूल है. ठीक है? द सिक एंड पुअर, यानी कि बीमार और गरीब, गरीबों के बीच बांट देता था. ही वुड देन रिटर्न टू द कोर्ट, और वो वुड देन रिटर्न, फिर वो लौटता था, प्रीपोजिशन है, द कोर्ट, दरबार, लौटता था, इंट्रेंस, इंट्रेंस यानी कोर्ट इंट्रेंस, दरबार के प्रवेश द्वार में, इन द इवनिंग, शाम को, आफ्टर हिज मील, आफ्टर एंड के बाद, हिज मील यानी अपने भोजन के बाद, शाम को वो फिर वही प्रवेश द्वार पर जहां पे वो गार्ड पहरेदारी करता था वहां वो फिर लौट आता था. यानी देखिए 100 रुपए को बस वो रखता था, सॉरी 100 सिक्के को रखता था, यानी खर्च वर्च जो भी है, बाकी सबको आप देखिए कैसे कैसे करके वो बांट देता था. अब क्या हुआ, वेन किंग वीरकम, सॉरी वीर मुकुट केम, अब वीर मुकुट होना चाहिए बट ए को हटा देंगे तो वीर मुकुट होगा, ए जुड़ा तो वीर मुकुट, ऐसे पढ़ना पड़ रहा है हमें. जब राजा वीर मुकुट केम टू नो, केम टू नो का मतलब आया चला, ऐसे नहीं, केम टू नो पता चला, उसे हम केम टू नो कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, केम टू नो यानी पता चलना. तो जब वीर मुकुट को पता चला अबाउट दिस, इसके बारे में, है ना, दिस यानी यह या इसके, अबाउट यानी के बारे में पता चला, His respect for Gopal grew even more. उसका गोपाल के प्रति जो रिस्पेक्ट था, आदर था, सम्मान था, grew यानी बढ़ गया, even more और भी ज्यादा बढ़ गया. Grow का grew होता है बढ़ना, grow उगना बढ़ना, grew हो गया second form, बढ़ा, ऐसे यूज किया जाएगा. और भी बढ़ गया उनके प्रति आदर. One night, एक रात, when Gopal was on duty, जब गोपाल on duty यानी अपने ड्यूटी पर था, अपने कार्य पर था, इट बिगेन टू रेन वेरी हैवली, इट बिगेन, अब देखिए जब बारिश, मौसम किसी के बारे में
यूज किया जाता है तो हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। इट बिगेन टू रेन यानी बारिश होनी शुरू हो गई, वेरी हैवीली यानी बहुत बारिश, उसे वेरी हैवीली कहा जाता है, तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, बहुत बारिश शुरू हो गई। फ्रॉम द पैलेस महल से द किंग स्पॉटेड, राजा ने स्पॉटेड यानी क्या होता है, किसी चीज को देखना, स्पॉट करना, अ वुमेन एक औरत को, सिटिंग बैठे हुए, एट प्रीपोजिशन है, द पैलेस गेट महल के द्वार पर एक बूढ़ी सॉरी एक औरत को बैठे हुए देखा। ही इमीडिएटली और उसने तुरंत सेंट भेजा, आप समझ गए कौन सा सेंट है, भेजा, सेंड का सेकंड फॉर्म, गोपाल, गोपाल को टू द लेडी औरत के पास, अभी पास वास नहीं लिखा है बट टू का प्रिपोजिशन यूज हो गया तो उसके पास भेजा ऐसे यूज किया जाएगा, क्लियर है। और गोपाल को उस महिला के पास भेजा, गोपाल रैन टू द पैलेस, गोपाल महल की ओर दौड़ा, टू रैन दौड़ा, देखिए एक रेन है बरसात, रैन दौड़ा, ये रैन है वो रन का सेकंड फॉर्म होता है, रन रैन, ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, रन रैन रैन, रन रैन रन, ऐसे तीन फॉर्म होता है, क्लियर हो गया। तो ये रैन बरसात वाला हो गया, ये रन का सेकंड फॉर्म है। तो गोपाल उस पैलेस गेट तक दौड़ा, महल के दरवाजे तक, उस बूढ़ी सॉरी औरत को देखने के लिए, एंड फाउंड पाया द ब्यूटिफुल वुमेन, सुंदर औरत को, क्राइंग बिटरली रोते, बिटरली यानी फूट फूट कर, उसे बिटरली कहा जाता है, महिला को फूट फूट कर रोते हुए पाया। ही आस्क्ड हर और उसने उससे पूछा, हु शी वॉज कि वो कौन थी, एंड वाई वॉज शी क्राइंग और वो क्यों रो रही थी। तो आप देखिए वॉज या वर्ब के साथ एनजी फॉर्म हो तो रहा था रही थी, बट आप देखेंगे सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है बट क्वेश्चन मार्क बन जाता है, क्यों रो रही थी, क्या हो रहा था, ऐसे यूज किया जाता है। और वाई भी लगा डब्ल्यू एच फैमिली का, वाई शी क्राइंग, वाई वॉज शी क्राइंग, वो क्यों रो रही थी और वहां पे क्यों थी, उसने पूछा भाई कौन हो तुम और क्यों रो रही हो। अब क्या हुआ देखिए, द वुमन रिप्लाइड, औरत ने जवाब दिया, तो रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड होता है, वाई हट जाता है और आईडी हट जाता है, ठीक है। रिप्लाई कैसे लिखते हैं ये देखो, रिप्लाई ऐसे लिखते हैं, तो आप रिप्लाइड लिखोगे तो ईडी जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, जब आप रिप्लाइड लिखते हो तो आप क्या करोगे, एल तक तो ठीक है, यहां तक तो आप आर ई पी एल लिख लोगे और वाई हटा के आप आईडी लिख दोगे तब ये सेकंड फॉर्म बनता है रिप्लाइड, ठीक है, क्लियर है। द वुमन रिप्लाइड, औरत ने जवाब दिया, दैट की शी वॉज द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यून देखिए रेड में लिखा है यानी कि ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ठीक है, नीचे लिंक दिया रहता हूं बुक्स के, आप वहां से मंगा भी सकते हो। तो उस औरत ने उत्तर दिया कि वो क्या है, गॉडेस यानी देवी, ऑफ फॉर्च्यून यानी होता है भाग्य, भाग्य की देवी है यानी किस्मत की देवी बोल सकते हैं। शी टोल्ड गोपाल, उसने गोपाल से कहा, टेल का सेकंड टोल्ड होता है, दैट की किंग वीरा मुकुट्स फॉर्च्यून, राजा वीरा मुकुट की अपोस्ट्रोफी एस का के की भाग्य, हैड ऑलवेज बीन, हैड यानी था, ऑलवेज हमेशा, बीन है सॉरी हैड बीन का यूज किया गया है, ठीक है, अंडर हर प्रोटेक्शन, उसके प्रोटेक्शन, रक्षा, प्रोटेक्शन कहा जाता है, संरक्षण में रहा है, हैड बीन कुछ रहा है, ऐसे यूज किया जाता है, क्लियर है। तो जो वीरा मुकुट का जो भाग्य है वो हमेशा उसके संरक्षण में रहा है, मेरे संरक्षण में रहा है भाई उसका भाग्य, बट लेकिन एन इविल स्पिरिट, एक बुरी आत्मा, तो इविल स्पिरिट कहा जाता है, तो एक जो बुरी आत्मा है, दुष्ट आत्मा ने क्या किया है, हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन हर, हु जो वॉज यानी थी, स्ट्रॉन्गर देन हर, स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव में ER वाला हो जाता है और देन का यूज किया जाता है ना, हर जो उससे ज्यादा शक्तिशाली यानी मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है वो, शैल बी टेकिंग ओवर द किंग्स फॉर्चून, शैल बी तो विल बी का शैल बी हो जाता है ना, दोनों आप यूज कर सकते हैं, टेकिंग ओवर द किंग्स फॉर्च्यून तो वो क्या कर सकती है, शैल बी हो जाएगी, कर डालेगी, क्या कर लेगी, टेकिंग ओवर यानी था कब्जा करना, किंग्स फॉर्च्यून राजा के भाग्य पर कब्जा कर लेगी, इन थ्री डेज तीन दिनों में राजा के भाग्य पर कब्जा कर लेगी, फिर राजा का भाग्य गया, एंड देन और फिर He shall kill the king, वो राजा को मार डालेगी, तो shall will दोनों का यूज किया जाता है दोनों में, बट यदि shall का यूज हो गया तो निश्चित रूप से मार डालेगी, will यानी मारेगी, थोड़ा सा डाउटफुल है, तो बस यही अंतर है, बाकी आजकल
सब में आप विल का यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो उसने बोला भाई अभी तक तो जो राजा का भाग्य था मेरे अंडर में था, बट अब मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली एक दुष्ट आत्मा आ गई है और वो राजा को, राजा के भाग्य को अपने कब्जे में करना चाहती है, और फिर 3 दिनों के अंदर वो क्या कर देगी, राजा को मार डालेगी। शी डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहती थी, डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हो, केवल नॉट नहीं लगाते, डिड नॉट का यूज किया जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा। वह नहीं चाहती थी, आप बोलेंगे सर चाहती थी पास्ट टेंस है, वांट यानी चाहना, तो वांटेड कर देते, नहीं आपको ऐसे नहीं करना। डिड लग गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। द किंग टू डाई, राजा को मरने नहीं देना चाहती थी, एंड दैट वॉज द रीजन फॉर हर क्राइंग सो बिटरली, और वही कारण था है ना, हर क्राइंग उसके रोने का, सो बिटरली फूट फूट कर रोने का, यही कारण था कि वो राजा को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी, वो जो भाग्य थी। गोपाल वॉज शॉक्ड, गोपाल हैरान था, एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इफ देयर वॉज एनी वे, इफ यदि, देयर वॉज एनी वे यानी कोई रास्ता हो, यदि कोई रास्ता हो टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने का, द किंग राजा को, एंड इफ और यदि, देयर वॉज एनीथिंग और कुछ भी हो, ही कुड डू, वो कर सकता है ना, वो कर सकेगा टू सेव, बचाने के लिए द किंग राजा को फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून यानी क्या होता है, दुर्भाग्यों को मिसफॉर्च्यून कहा जाता है। तो भाई उसने कहा कि क्या राजा की रक्षा का कोई तरीका है, क्या वह राजा को इस दुर्भाग्य से बचाने के कुछ कर सकता है, उसने पूछा। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट की द किंग कुड बी सेव्ड, राजा बच सकते हैं है ना, बचाया जा सकता था, इफ यदि गोपाल सैक्रिफाइज्ड हिज सन, यदि गोपाल क्या कर देता है, अपने बेटे का सैक्रिफाइज्ड बलि दे दे, यदि वो अपने बेटे का बलि दे देता है तो क्या हो जाएगा, राजा बचाया जा सकता था। बिफोर गॉडेस महाकाली, महाकाली के सामने, बिफोर यानी होता है सामने, यदि वो महाकाली के सामने अपने बेटे का बलि दे दे तो क्या हो जाएगा, वो राजा को बचाया जा सकता है। एंड दैट टू इमीडिएटली है ना, और दैट, और वो भी टू इमीडिएटली, बहुत जल्दी, वो भी तुरंत, उसे टू इमीडिएटली कहा जाता है। क्लियर है, जो करना तो है वो भी बहुत जल्दी करना है, समय नहीं है, बलिदान दोगे तो ही राजा बच जाएंगे है ना। और खैर ये अलग चीज़ है, बहुत से लोग जो भी करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि भाई जो भी देवी देवता में हम कोई, कई लोग बलि चढ़ाते हैं, वास्तव में बलि चढ़ाते हैं, कोई भी धर्म के हो, तो मेरा यही मानना है कि कोई भी है ना, माता माता है सबकी माँ, जानवरों की माँ है, वो नहीं चाहे कि भाई उसके सामने उसके बच्चों की प्राण त्याग, मतलब कोई गला मांगे, खून मांगे, ऐसे कोई भी देवी नहीं मांगती, सबका अपना अपना कुछ कुछ कारण होता है और वो बलि लेते हैं। अब इसके ऊपर ज़्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि बलि वगैरह नहीं होने चाहिए, उनका क्या कसूर है, अपने फायदे के लिए किसी और की जान देना, ये इसमें क्या आपका बड़प्पन है, कभी नहीं करना चाहिए। अब क्या उसके बाद देखिए, गोपाल एटवंस हरीड होम, गोपाल एटवंस यानी तुरंत, हरीड यानी तेजी से भागा, होम यानी घर, तुरंत घर गया, एंड टोल्ड हिज फैमिली, और अपने परिवार को बताया, अबाउट द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य की देवी के बारे में बताया। हिज सन इंस्टेंटली गॉट रेडी, देखिए उसका बेटा इंस्टेंटली यानी क्या होता है, तुरंत, तत्काल को इंस्टेंटली कहते हैं, गॉट रेडी तैयार हो गया, गेट रेडी तैयार होना, उसका सेकंड गॉट रेडी होता है, वो तैयार हो गया फॉर द सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए, एंड हिज फैमिली लेफ्ट फॉर द काली टेम्पल, और उसके जो परिवार थी वो क्या हुआ, काली मंदिर के लिए लेफ्ट यानी चले जाना, रवाना हो गई, चले गई, देयर इन फ्रंट ऑफ गॉडेस महाकाली है ना, और महाकाली के सामने, इन फ्रंट यानी तो सामने, ही बिहेडेड हिज सन, बिहेडेड यानी सर को धड़ से अलग कर देने को बिहेडेड कहा जाता है, और उसने अपने बेटे का सिर काट दिया। He requested to goddess to accept his offering and bless the king with a long life. He requested, उसने प्रार्थना की, to goddess देवी से, to accept स्वीकार करने के लिए, his offering अपना जो स्वीक, जो भेंट को offering कहा जाता है, अपने भेंट को स्वीकार करने कहा, and bless और आशीर्वाद देने के लिए राजा को, with a long life लंबे जीवन का आशीर्वाद देने के लिए माता से प्रार्थना की। Seeing her brother die before her own eyes, seeing यानी देख कर, her brother अपने भाई को die मरा हुआ, before यानी सामने, her यानी अपने, own खुद के eyes आंखों के, अपने खुद की आंखों के सामने अपने भाई को मरा हुआ देख कर, Gopal's daughter died on the spot
आउट ऑफ डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हम डिस्ट्रेस होना यानी परेशान होना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाना, किसी को तनाव हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। बहुत ज़्यादा दुख में तनाव में आकर उसने तुरंत क्या कर दिया, ऑन द स्पॉट या ना तो वहीं के वहीं तुरंत उसे ऑन द स्पॉट, मौके पर ही उसे ऑन द स्पॉट कर, अपने आंखों के सामने अपने भाई को मरता देख गोपाल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। अनेबल टू बेयर, अनेबल यानी असमर्थ होकर, बेयर यानी बियर नहीं पढ़ेंगे, बेयर पढ़ेंगे, ऐसे बेयर यानी टेडी बेयर, टेडी बियर नहीं होता, बियर तो ये होता है BEER, बियर यानी वो ड्रिंक वाला बियर है ना, और बेयर यानी होता है भालू, और बेयर यानी वहन करना, सहन करना, ये भी होता है। अनेबल टू बेयर यानी सहन करने में अनेबल होना है ना, नहीं कर पाना, द डेथ ऑफ हर चिल्ड्रन यानी अपने बेटे की मौत को सह नहीं पाकर, गोपाल्स वाइफ किल्ड हरसेल्फ, गोपाल की पत्नी किल्ड मार डाला हरसेल्फ, खुद को मार डाला उसने, गोपाल वॉज ग्रीव्ड बाय हर डेथ, ग्रीव्ड यानी क्या होता है, शोक हो जाना, दुखी हो जाना, उसे ग्रीव्ड कहा जाता है, बाय द डेथ ऑफ हिज फैमिली, गोपाल अपने परिवार की मौत से दुखी था, नाउ ही हैड नो वन टू लिव फॉर, नाउ ही हैड यानी उसका था, नो वन यानी कोई भी नहीं, टू लिव फॉर साथ रहने के लिए, उसके पास जीने के लिए कोई नहीं था, ही हैड परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी बाय सेविंग द किंग्स लाइफ, ही हैड परफॉर्म्ड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हिज ड्यूटी यानी अपना कर्तव्य, तो उसने अपना कर्तव्य निभाया था, बाय सेविंग बचाकर द किंग्स लाइफ, राजा की जान बचाकर अपना कर्तव्य निभाया था, ही लिफ्टेड हिज स्वॉर्ड, उसने उठाया अपनी तलवार, एंड किल्ड हिमसेल्फ और खुद को भी मार डाला, बताइए एक राजा की जान बचाने के लिए पूरी की पूरी फैमिली है ना, अपने आप सबसे बड़ा जो सर्वोच्च बलिदान कहा गया ना, पूरी की पूरी फैमिली बलिदान दे दी, मारा तो बच्चे को था बट उसके दुख में उसकी बहन की मृत्यु हो गई, उसकी बहन और अपने बेटे को, सॉरी अपने बच्ची और बेटे को देखकर उसकी माँ की डेथ हो गई, यानी खुद को मार डाली, और लास्ट में गोपाल ने भी अपने आप को मार डाला। अब क्या हुआ देखिए, When King Viramgut heard about the incident, जब राजा Viramgut को heard यानी सुना, hear का से ना heard होता है, about the incident, incident यानी घटना, इस घटना के बारे में जब वो सुना, he came running, वो दौड़ता हुआ आया, come, तो second form came का use करेंगे, to the temple, preposition है कहाँ आया, मंदिर आया, he was deeply touched by the four people, he was deeply touched यानी हम बोल सकते हैं कि गहराई से, ऐसे बोला जा सकता ना कि, और बहुत ही अंदर तक के उसे क्या हुआ था, छू लिया था, इस घटना से बहुत ज्यादा दुख हुआ, बाय द फोर पीपल, चार लोगों का, हु हैड विलिंगली गिवन अप देयर, विलिंगली यानी होता है इच्छा से, उसे विलिंगली कहा जाता है ना, जिन्होंने इच्छा से अपनी क्या कर दी, अपने जीवन को गिवन अप, त्याग दे दिया, Who had given, दे दिया था, had के बाद give up का थर्ड फॉर्म given up, gave up होता है और given up होता है, तो had के बाद वो आपका थर्ड फॉर्म है यानी past perfect, दिया था, लिया था, चुका था, जिन्होंने है ना willingly यानी स्वेच्छा से, इच्छा से अपनी जान दे दी थी to save his life, उसकी जान बचाने के लिए, बहुत ज़्यादा उसके मन में गहराई तक छू लिया बात, but the very next moment, लेकिन उसके अगले ही क्षण, he thought that, उसने सोचा कि if he did not repay their gratitude, यदि वो उसके ग्रेटिट्यूड यानी आभार कहा जाता है मेरे एहसान, यदि वो रिपे यानी पुनः चुकाना, पे करना यानी चुकाना, रिपे यानी वापस भुगतान का, रिपे कहा जाता है, यदि वो उसका एहसान नहीं चुकाएगा, सॉरी नहीं चुकाया, ही वुड नॉट बी वर्थी, ही वुड नॉट बी, तो विल नॉट की जगह वुड नॉट का यूज किया गया है इस पूरे सेंटेंस में, पहले पास्ट का बात किया गया है, पास्ट में फ्यूचर की बात की गई है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें पास्ट में फ्यूचर की बात की गई हो तो विल के जगह वुड का यूज किया था, मैंने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, मैंने कहा पास्ट टेंस, मैं बाजार जाऊंगा फ्यूचर टेंस, तो उस पूरे सेंटेंस में विल का यूज नहीं होगा, विल के जगह वुड का यूज किया जाएगा। नॉट बी वर्थी, वर्थी यानी होता है लायक होना, एहसान नहीं चुकाया तो वह, ऑफ बीइंग कॉल्ड अ किंग, राजा कहलाने क्या है ना लायक नहीं होगा, तो उसने वही सोचा भाई यदि मैंने एहसान नहीं चुका तो राजा कहलाने के लायक नहीं रहूंगा मैं, सो ही ऑल्सो किल्ड हरसेल्फ, सो इसलिए ही ऑल्सो, उसने भी किल्ड मार डाला हिमसेल्फ, उसने खुद को भी मार डाला,
बताइए, जिसकी जान बचाने के लिए वो लोग इतना अपने पूरे परिवार का त्याग कर दिया। देखिए सब कोई, माता काली है, बेटे का सर है, बीवी है, गोपाल है, उसकी बेटी है और राजा भी है, सब अपने आप को सबने मार डाला, जिसके लिए रक्षा के लिए इसने जान बचाई सबका मार। अब देखिए एक्चुअल में विक्रम बेताल की स्टोरी थी, आप लोगों को नहीं बताया था मैं, अब देखते हैं। बेताल एंडेड द स्टोरी एंड आस्क्ड, बेताल ने एंडेड यानी अंत किया द स्टोरी, कहानी का अंत किया, एंड आस्क्ड और पूछा, टेल मी किंग, किंग विक्रम, राजा विक्रम मुझे बताओ, हू सेक्रीफाइस डू यू थिंक इज सुप्रीम, हूज यानी किसका, सेक्रीफाइस यानी त्याग, डू यू थिंक तुम्हें, तुम सोचते हो, तुम्हें लगता है इस सुप्रीम सर्वोच्च है, आपके अनुसार किसका बलिदान सर्वोच्च है, सबसे अच्छा बलिदान किसने दिया, सबसे ऊंचा बलिदान किसका माना जाएगा। अब हम भी यहां सोच में पड़ गए हैं। अब राजा विक्रम देखते हैं क्या जवाब देते हैं। इसलिए विक्रम बेताल की स्टोरी इसलिए अच्छी लगती है कि मुझे सोचना पड़ता है, हमें भी सोच में पड़ गया, हम भी सोच में पड़ गए कि आखिर किसका माने, बेटे का माने जो तुरंत तैयार हो गया पिताजी के लिए, कि है ना, पत्नी का माने कि अपने उसका शोक नहीं सह पाए, कि बेटी का माने, कि गोपाल का माने, कि राजा के, और कि राजा का माने कि अरे मेरे नौकर ने ऐसे किया है तो मैं, अब चलिए देखते हैं। विक्रमादित्य थॉट, विक्रमादित्य ने थॉट सोचा, तो विक्रमादित्य लिखा, वाई के साथ ए जुड़ता है, हम विक्रमादित्य ही पढ़े, विक्रमादित्य ही पढ़ेंगे। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए, है ना, फॉर समय बता रहे हैं, कुछ क्षण के लिए, तो फॉर का यूज किया जाता है। तो कुछ देर सोचा, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग यानी होता है के अनुसार, मेरे अनुसार वीरा मुकुट सेक्रीफाइस इज सुप्रीम। देखिए मुझे जो लग रहा था वही हुआ, वीरा मुकुट का सेक्रीफाइस बलिदान इज है सुप्रीम, फॉर ही गेव अप हिज लाइफ फॉर हिज सर्वेंट। देखिए मुझे भी यही लगा था, आप लोगों को भी लगा होगा। तो जो वीरा मुकुट है उसका जो बलिदान है सबसे सर्वोच्च है, क्योंकि उसने क्या किया था, ही गेव अप, उसने त्याग दिया था हिज लाइफ, अपने जीवन को फॉर यानी के लिए, हिज सर्वेंट, अपने नौकर के लिए अपना जीवन को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। बताइए मालिक के लिए नौकर जान देता है, ये तो शुरू से हम सुनते हैं, मजबूरी में जान दे, खुशी से जान दे, हम सब सुनते आए हैं कि भाई इसका बॉडीगार्ड था, उसका नौकर था, अपने मालिक के लिए जान दे दी, जान बचाने के लिए पहरेदार था, सिपाही था, है ना, राजा को बताने बचाने के लिए, मंत्री को बचाने के लिए, नेता को बचाने के लिए उसने जान, सबने सुना हुआ है। बट क्या आपने कभी ऐसा सुना कि राजा ने अपने नौकर एक पहरेदार की जान के लिए, जान बचाने के लिए नहीं, एक पहरेदार के लिए अपनी जान दे दी हो? बहुत बड़ा बलिदान है, क्योंकि अगर राजा कैसे छोड़ दे भाई, अपना राजपाट सब चीज त्याग कर, कुछ नहीं सोचा और अपनी जान दे दी केवल उसका एहसान चुकाने के लिए। गोपाल हैड टेकन अ वॉ, है ना, वॉ यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि संकल्प से वाव, ऐसे पढ़ा था वाव, है ना, वाव, ये वो वाला वाव नहीं है, बहुत अच्छा वाला वाव नहीं है, वाव ऐसे पढ़ा जाता है। तो वाव का मतलब होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना, कसम लेना, सौगंध जिसे कहते हैं वो वाव होता है, ठीक है, इसे वाव ऐसे पढ़ा जाएगा। तो हैड टेकन, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म है, लिया था, दिया था, गोपाल ने एक संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा ली थी, कसम ली थी, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने की, द किंग, राजा की, सो इसलिए ही सेक्रीफाइस्ड हिज सन्स लाइफ, उसने अपने बेटी की जान, बेटी का बलिदान दे दिया, हिज डॉटर एंड वाइफ, उसकी बेटी और पत्नी डाइड, मर गई, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस, यानी अपने जो प्रिय होते हैं उनके, है ना, अपने प्रियजनों के मृत्यु के कारण मर गए, यानी लोग खुद से जानबूझ के नहीं मरे, तो अपने प्रियजनों की मृत्यु के कारण अपनी जान दे दी उन्होंने, बलिदान नहीं दिया, क्योंकि उसका बेटा मर गया तो उसकी बहन, है ना, वो सदमे में वो खत्म हो गई, उसको देखकर माँ बोली मैं नहीं सह पाऊंगी इन दोनों का मृत्यु, तो वो राजा के लिए नहीं जान दी, अपने बच्चों के लिए उसने जान दिया है, तो है ना। एंड गोपाल टू डाइड, और गोपाल भी, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है, डाइड, मर गया, फॉर द सेम रीजन, उसी कारण से वो भी मर गया, कि मैं किसके कारण जीऊं, राजा के जान बचाने के लिए उसने बेटे का सर काट दिया था, यहां तक तो हो गया था, राजा की जान बच गई थी, फिर अपनी जान क्यों देना पड़ा उसे, क्योंकि उसके साथ अब रहने कोई बचा ही नहीं, और उसे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे कारण ही पूरा मेरे परिवार का नाश हो गया है, सबकी मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं भी जी कर क्या करूंगा, इसने अपनी भी जान दे दी। बट वीरा मुकुट डिड नॉट हैव टू गिव अप हिज लाइफ फॉर हिज सर्वेंट, लेकिन वीर मुकुट ने अपने सेवक के लिए अपने प्राण नहीं देने पड़े, सॉरी यहां पे देखिए,
हैव टू लिखा हुआ है ना, अलग अलग था तो देखने पे हैव टू यानी कुछ करना था, ऐसे यूज कहते हैं। डिड नॉट हैव टू गिव अप यानी उसे नहीं देना था हिज लाइफ फॉर हिज सर्वेंट, विराम गुड को है ना क्या नहीं करना था, अपने नौकर के लिए जान नहीं देना था, उसके बाद भी उसने क्या किया, उसके एहसान चुकाने के लिए उसने क्या किया, अपनी जान दे दी उसका एहसान चुकाने के लिए। फिर राजा को कोई जरूरत नहीं थी अपने नौकर के जान देने की, लेकिन सोचिए एहसान चुकाने के लिए उसने भी अपनी जान दे दी कि सभी का कारण मैं हूँ, मेरे लिए इनकी मृत्यु हुई है तो मेरा जीने से कोई मतलब नहीं है, मुझे भी इसका एहसान चुकाना चाहिए, और उसने भी अपनी जान दे दी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आखिर बलि देने से क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। आखिर बलि जैसे ही दिए कि स्टोरी में मेरा जो आप मोरल देखेंगे तो यही हुआ, इसकी जान बचाने के बलि दी है तो माता कोई बलि से खुश होगी या क्या, यहाँ पे अच्छा सीन दिख रहा है आपको बलि देने से, क्या राजा का उम्र बढ़ गया, क्या इनकी उम्र बढ़ गई, इनके पैसे वैसे आ गए, नहीं, यही स्टोरी में सिद्ध हो रहा है कि जैसे ही बलि दिया गया उनके बेटे का कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो आप भी बलि देंगे तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, कभी मत सोचिए बलि दिए ये खत्म हो गया, बहन खत्म हो गई, पत्नी खत्म हो गई, खुद खत्म हो गया, जिसकी जान बचाने के लिए बलि दी थी वो राजा भी खत्म हो गया। कोई फायदा हुआ कि उस बलिदान का, कोई भी फायदा नहीं हुआ। उससे अच्छा जो होना था भाग्य पे छोड़ देना था, पूजा पाठ करते बलि देने से ज्यादा अच्छा तो हो सकता भगवान की रक्षा भी करते, बट बलि देने से किसी का भरण, तो स्टोरी में ही आपको दिख रहा है फोटो में। तो फिर ये थी आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आपको सच में मुझे जो राजा जो थे है ना उनका नाम फिर से भूलने लगा मैं, वीरा मुकुट जो राजा थे उनकी बलिदान को सर्वोच्च बलिदान सुप्रीम सेक्रीफाइस माना गया, क्योंकि आप सभी को मैं बता चुका क्यों माना गया, और आप सभी को भी ये लग रहा होगा कि हाँ वाकई में एक राजा अपने नौकर के लिए जान दे, उसके एहसान, नौकर के एहसान कौन मानता है, बहुत ऐसी कम लोग होंगे जो नौकरों का भी एहसान मानते हैं। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कल की जो दो स्टोरी है ना, कल परसों की स्टोरी का तुरंत मैंने पीडीएफ तुरंत दे दिया, आजकल लेट नहीं करता, दूसरे दिन तुरंत डाल देता हूँ मैं, ताकि आप लोग आज प्रैक्टिस किए कल तुरंत आप लोग फिर से एक बार क्या अभी प्रैक्टिस किए, फिर अभी आप एक घंटा तो दे नहीं पाओगे, तो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, कल फिर से आप पढ़ के देखिए कि आप लोग कितना ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं, वर्ड्स सही मीनिंग उसका आपको प्रोनाउंसिएशन सही कर पा रहे हैं कि नहीं, मीनिंग समझ आ रहे कि नहीं। आपने तो नोटबुक में अपने कॉपी में लिख ही लिया होगा, जो जो वर्ड हार्ड है, जो जो रूल्स है मैंने बताया सब नोट कर लिया होगा, तो आपको अब ईजी लगने लगे। हमने कॉपी निकालिए, पढ़िए, जो वर्ड हार्ड लग रहा है अपने कॉपी में देखिए, फिर ट्रांसलेट कीजिए, आपको लगेगा वाह 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 अब मुझे ट्रांसलेशन करने आ रहा है, बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ या फिर सीख रही हूँ। आप यकीन ना हो तो कमेंट्स देख लेंगे, बहुत से लोगों को कमेंट्स आते हैं, कभी मैं फ्री रहूँगा तो जरूर आपको कमेंट पढ़ाऊंगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है मुझे फ़ायदा हुआ है करके, क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो है ना, और कुछ मोबाइल से मैं आपको दिखा दूंगा, वाइफ के मोबाइल से किसी से भी, या स्क्रीनशॉट वगैरह आपको दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम में मैं भेज दूंगा कि लोग कमेंट करते हैं कि वाकई में उन्हें फ़ायदा हुआ है, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि ज्वाइन नहीं हो पा रहे होंगे लिंक से तो विष्णु एटीपी सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में, ना इंस्टाग्राम नहीं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम में, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह सब आपको मिल जाएगा फ्री में और बहुत ही क्लियर अच्छे से। और यदि बुक डाउनलोड करना हो तो आप लोग नीचे लिंक दिया हुआ है, मेरी बुक नहीं है इसलिए मैं आपको फ्री में नहीं दे सकता हूँ, वो दूसरों की बुक है तो आप लोगों को परचेस करना पड़ेगा, यदि आप लोग परचेस करना चाहें तो मैं वहीं से ज़्यादातर बुक वहीं से परचेस करता हूँ। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।